गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आरआरबी ग्रुप डी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है आज का, उसका एनालिसिस देखेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि जिसका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, इतना लेवल जो आप सोच रहे हैं कि इतना लेवल आप आ रहा है, तो इतना लेवल नहीं आ रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और आज के क्वेश्चन जो है, देखिए आज की शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस डाला मैंने, और सेकंड शिफ्ट का देखिए, सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। तो फ्रेंड, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करने का PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे बहुत सारी PDF हैं जो आपको मिलती रहती हैं, वहाँ पर जाकर ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। जो क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, आज दो तरह के क्वेश्चन आए थे। देखिए जो कैलेंडर से था, कैलेंडर से देखिए क्वेश्चन कैसा आया था। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, जुलाई 2007 में कितने फ्राइडे थे, तो वही शुक्रवार बताने थे कितने फ्राइडे थे। तो देखिए सबसे पहली बात, 1 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई, और जुलाई का कोड होता है 6। ठीक है, और जो 2007 दिया है, जो 2007 दिया है उसमें इसको मानेंगे 107। ठीक है, कितना मानेंगे, 107, और 107 में देंगे भाग हम इसका 4 का ली वर्ष निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 26। ठीक है, और बटे कितना करेंगे, 7, यानी कि 140 हमारा टोटल रहेगा यहाँ से, और ये होगा 7 डिवाइड। ठीक है, तो 7 डिवाइड रहेगा तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 0। क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, शेषफल कुछ भी नहीं आया, 0 आ गया। ठीक है, तो 0 का मतलब है 1 तारीख को क्या होगा, संडे होगा। क्या होगा, संडे होगा। तो अब संडे होगा 1 तारीख को, 1 तारीख को संडे होगा, 6 को क्या होगा, 6 को फ्राइडे होगा, फिर 7 प्लस होंगे, फिर 13 को फ्राइडे होगा, 7 फिर प्लस होंगे, फिर 20 को फ्राइडे होगा, फिर 27 को फ्राइडे होगा, यानी कि 1 2 3 4 चार फ्राइडे पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे, 4 फ्राइडे हमारे पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। देखिए ये बता दूं मैं आपको, 1 2 और ये 3, ठीक है, जो चारों मेरे पास क्वेश्चन मिले हैं वो सरल हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ थे, जितने क्वेश्चन मिले वो अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 2 से 2, ये जो 4 क्वेश्चन है वो 2 मिनट में आप कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए 7:20 पर एंगल क्या हुआ, एंगल बताना था 11/2 × मिनट। तो मिनट बताए, मिनट हमारे पास कितने, 20 हैं। ठीक है, हावर कितने हैं, हावर है हमारे पास 7, तो 7 × करा तो ये कितने आएंगे हमारे पास, 210, और इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे, इसको 10 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इस जो आकृति बनी है, इस प्रकार की जो आकृति बनी है, ठीक है, ये जो आकृति बनी है, अब इसमें त्रिभुज कितने हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा इसको काउंट करके बताइए, उन्होंने बोला 4 हैं 5 हैं या 5 से ज़्यादा है या 3 हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, 1 हो गया 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए, और एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है, 5, और एक हो गया बड़ा वाला 6, यानी कि उन्होंने बोला 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी थी 4 16 48 192, तो भाई 2 × 8 16 16 × 3 48, 3 × 192। ठीक है, फिर 192 ऐसे करके फिर हम करेंगे इसमें, तो हमारा कितना जाएगा, 5 × 192, तो कितना आ जाएगा, 960, कितना आएगा, 960 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सरल आए हैं। बता दूं मैं आपको, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय आवर्त सारणी में टोटल गैसेस बतानी है, तो टोटल गैसेस का होती है, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है वो अक्रिय गैसेस का होता है, और अक्रिय गैसेस बता दूं मैं आपको, वो आपको वहाँ से 7 ऐसे गैसेस मिलेंगी, ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनको हम गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नोबल गैस कौन से ग्रुप में आती है, तो नोबल गैस आती है 18वें ग्रुप में। कौन से गैस समूह में या ग्रुप में, 18वें ग्रुप में आती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है ऑलरेडी, देखिए आपने देखा हो बहुत पहले ये क्वेश्चन आए थे, ग्रुप डी का एग्जाम चालू हुए थे, तो 20-21 तारीख को जो सेप्टेम्बर था तब क्वेश्चन आया था, मेंडलीप की पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं, तो 63 एलिमेंट है। कितने, 63 एलिमेंट, ये बता चुका हूँ मैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। सबसे कम घनत्व किस तत्व का होता है, तो ये होता है लिथियम का। किसका होता है, लिथियम का होता है। ठीक है, स्लेज स्लेग लाइम यानी बुझा चूना का सूत्र देखिए पूछा था, सी ए
और कोष्टक में ओ एच ट्वाइस, ठीक है ये होता है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, पुष्पहीन है या पुष्प पुष्पीय है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दीजिएगा, क्योंकि इसके आंसर अगर यहाँ पर पुष्पीयहीन के अलग होंगे चार, और पुष्प जो पुष्पीय है उसका एक होगा, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में लिखने के बाद मुझे अगर क्वेश्चन बताएंगे तो फ्रेंड्स मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो पूरा का पूरा जो लेके आऊँगा थर्ड शिफ्ट का, वो उसमें मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। अब स्मॉल जी का सबसे कम वैल्यू कब होगी, तो देखिए पृथ्वी है ये, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन आपको अलग अलग दिए थे, मान लीजिए एक पृथ्वी थी, पृथ्वी दी आपके, ठीक है। अब पृथ्वी पे आप कहीं पर भी रहेंगे, उन्होंने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि केंद्र में ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा होती है क्या होती है ऐसा पूछ, मतलब केंद्र में कम होती है या साइड में जाने में कम होती है, या ध्रुव पे जाने में कम होती है, या पृथ्वी से दूर जाने पे कम होती है। तो पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होता है पृथ्वी से दूर जाएंगे तभी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, क्या होगा कम होगा। अगर आपने देखा होगा जब भी कोई सैटेलाइट को थ्रो किया जाता है तो वो एक यहाँ पर कक्ष में हो जाती है, ठीक है, कक्ष में घूमने लगती है वो, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्स्टेंट हो गया है ग्रेविटेशनल। अगर इससे बाहर चली गई तो ये क्या हो जाएगी, ये ब्रह्मांड में खो जाएगी लेकिन यहाँ पर रहेगी। अगर दूर जाने का मतलब क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वो कम हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था नवीन पटनायक सीएम कहाँ के, तो उड़ीसा के, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। 41वें पीएम ऑफ नेपाल, तो केपी शर्मा ओली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए राज्यसभा किस आर्टिकल, राज्यसभा का जो राज्यपाल जो है राज्यपाल जो है वो किस आर्टिकल के अमेंडमेंट में या आर्टिकल में आते हैं, तो देखिए ये आते हैं 193 और राज्यपाल जो होते हैं एक या दो एक से अधिक स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, सभी को पता होगा विनोद खन्ना को मिला। द रूल ब्रेकर्स ये बुक है किसने लिखी, तो कैरमाइन ने लिखी, किसने, कैट कैरमाइन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा छठवां क्वेश्चन है यूएस ओपन वुमेन्स 2018 का विनर कौन है, नाओमी, ठीक है, नाओमी इनका नाम याद रखिएगा। अगर 2018 में के अनुसार भारत रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर होगी, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा कहाँ पर होगी, भारत में होगी। नेक्स्ट देखिए सुधीर मुक्तिवार जो है वो किस मिनिस्ट्री से है, तो ये है फाइनेंस एंड प्लानिंग फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के जो बोर्ड है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ओवर कप 2018 के विजेता कौन है, जापान, ठीक है। अगला देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राम के पास मोहन से 50 कंचे अधिक हैं, ठीक है, तो राम के पास 150 कंचे हैं तो मोहन के पास टोटल का कितना प्रतिशत होगा। पहली बात तो मोहन के पास होंगे 100 कंचे, क्योंकि उसे 50 कम है, ठीक है। तो अब टोटल कितने हुए, 150 और ये 100 कितने हुए, 250 हो गए, ठीक है, कितने हुए 250, और 250 में 100 का प्रतिशत निकालना है, इंटू करना है कितने का, 100 का, तो ये कितना होगा 40% हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40% आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आए थे, क्या आए थे, सेम टू सेम आए थे, हो सकता है किसी अलग अलग जोन में आए हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 8000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI में डिफरेंस निकालना था, तो फ्रेंड्स पहली बात तो हमको जो 5% लिखा है हम उसे 1/20% लिख सकते हैं, मतलब प्रतिशत नहीं सॉरी 1/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने निकाला 8000 का 1/20 तो यह आया 400, और 400 का फिर निकाला 1/20 तो 20 आया, और फिर 20 का निकाला 1/20 तो फिर 1 आ गया। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया 3 साल का, और अगर डिफरेंस कभी भी पूछा हो तो हमको पहली साल को छोड़ देना है, क्या करना है, पहली साल को छोड़ देना है, और दूसरी में क्या करना है, तो 1, और तीसरी में देखिए, और जब तीसरी में आए तो हमें क्या करना है, दूसरी वाले सॉरी मैं आपको पूरा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पहली साल को छोड़ दीजिए, डिफरेंस आ रहा है कभी, पहली साल को छोड़ दीजिए, दूसरी साल में 3 का इंटू कीजिए और पहली साल में कीजिए 1 का इंटू, जो आंसर आया, ठीक है।
अब आंसर जो आया है उन दोनों को प्लस कर दिए तो दूसरी साल में है 60 और पहली साल में एक, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा एक। क्या आ जाएगा? 61 डिफरेंस आ जाएगा। कितना है? 61 डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। 75,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से, और 2 वर्ष का SI और CI और SI में क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स पहले तो 15% निकाल लीजिए तो 11,250 आ जाएगा आपका। फिर दूसरे साल का निकालिए, 11,250 का 15% हो जाएगा 1,687.5। ठीक है, अब पहली साल को छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? पहली साल को छोड़ दीजिए और दूसरी साल का जो आया है वही हमारा डिफरेंस है। ठीक है, 1,687.5 यही हमारा डिफरेंस है। कितना? 1,687.5। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर होता आगे आगे और होता, एक साल और आगे होता तो 3 हम इसमें इंटू करते और वहाँ पर जो आता उसमें 1 इंटू करते। ठीक है, और दोनों को प्लस कर दे तो हमारा डिफरेंस आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल सा, 75% ऑफ 48% क्या होगा? तो 75 को हम लिख सकते हैं, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, 48 दिया है सो काटेंगे, तो काटने के बाद देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 36 आएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये इंटू करेंगे 3 से, तो ये कितना है, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना 36% हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आज के, आज मुझे बताइएगा कैसे लगे ये क्वेश्चन, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे वही हैं, और अब अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे, सॉरी क्वेश्चन अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन होने चाहिए जिससे क्या वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो बाकी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे और उनको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, उसे भी दबा दीजिएगा, उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो जितनी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन उसको आप वो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।